हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं सुष्मिता और आज हम बनाएंगे परवल की एक न्यू रेसिपी जिसका नाम है परवल मलाई करी। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहां पे सबसे पहले सरसों का तेल गरम कर लिया है। तेल गरम करने के बाद इसके अंदर हमें डाल देना है परवल। और यहां पे मैंने 500 ग्राम परवल ले लिया है। परवल को हमें आधा छीलना है, मतलब बीच बीच से इसका छिलका हटाना है और थोड़ा बहुत रहने देना है और दोनों साइड से चीरा लगा लेना है। अब हम परवल को तेल के अंदर डाल देंगे फ्राई करने के लिए। साथ में हम इसके अंदर नमक और हल्दी डालेंगे ताकि परवल के अंदर एक अच्छा सा कलर आए। इसीलिए हमें नमक और हल्दी स्वाद के अनुसार डाल के परवल को फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट के लिए हम परवल को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परवल फ्राई होके इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और इसे जिस तरफ से फ्राई नहीं हुआ है उलट उलट के हम अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। और परवल अच्छे से फ्राई होने के बाद हमें इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेना है। अब हम इसी तेल के अंदर डालेंगे फोरन। फोरन में मैंने लिया है जीरा, एक आधा छोटा चम्मच जीरा, एक तेजपत्ता को हम तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। फोरन को 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर हमें डाल देना है मसाला। मसाला में यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच पोस्तदाना और 4 हरी मिर्च का एक साथ मैंने पेस्ट बना लिया है। और साथ में मैं डाल रही हूँ 6 से 7 काजू और 1 बड़े चम्मच मगज का पेस्ट। डालने के बाद इसके अंदर हमें सूखे मसाला डालना है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में आधा चम्मच डालेंगे हम जीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर हम बहुत ही कम डालेंगे क्योंकि पहले हमें ग्रीन चिली इसके अंदर डाला है, इसीलिए बहुत कम मात्रा में रेड चिली पाउडर डालेंगे। और थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा चीनी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा मीठा मीठा टेस्ट आए इसके अंदर। और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और चिली डालने से इसका कलर भी अच्छा आएगा। क्योंकि इसके अंदर प्याज लहसुन ये सब कुछ भी नहीं जाता है, एकदम भेज रेसिपी है, इसीलिए हमें इसके अंदर थोड़ा सा चीनी डालना है। और मसाला को 6-7 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर से अच्छी तरह से तेल बाहर निकल रहा है और मसाला भी अच्छे से भून चुका है। तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी पहले से फ्राई किया हुआ परवल। परवल डालने के बाद परवल को भी अच्छी तरह से हम मिला देंगे ताकि परवल अच्छी तरह से मसाला के साथ मिक्स हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह से भून जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर दूध डालेंगे। यहाँ पे मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ क्योंकि ये मलाई करी है, इसीलिए हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, हमें दूध डालना है परवल के अंदर। 1 कप दूध डालने के बाद मसाला के साथ हमें अच्छी तरह से मिला देना है और नमक को भी हमें एडजस्ट कर लेना है इसी टाइम। नमक डालने के बाद हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, गैस का फ्लेम लो रखेंगे एकदम, क्योंकि दूध डाला है और दूध बहुत जल्दी सूख जाता है, इसीलिए एकदम लो फ्लेम में हमें परवल को पकाना है। और यहाँ पे 5 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटा लिया है और इसका कलर आप देख सकते हैं, कलर के साथ साथ इसका खुशबू भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। और इसी तरह से परवल की मलाई कढ़ी की रेसिपी आप ज़रूर अपने घर पे बनाइएगा। क्योंकि ये मलाई कढ़ी है तो इसके ऊपर से मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ घी। घी डालने के बाद एक मिक्स देंगे इसके अंदर। मिक्स करने के बाद हमें 2 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में कवर कर देना है। आप चाहे तो इस टाइम गैस का फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं। 2 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और इस रेसिपी को देख के ही पता चल रहा है कितना टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। इस रेसिपी को आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।